ये आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी दो तरीके से पैंट की जा सकती है, एक बाय वॉल्यूम क्वांटिटी हम पैंट करते हैं और दूसरा बाय वेट क्वांटिटी हम पैंट करते हैं। बाहर ममालिक में ज़्यादातर बाय वेट क्वांटिटी मालूम करते हैं, ठीक है। तो बाय वॉल्यूम का तो मैंने आपको पीछे दो तीन क्लासे ले ली, अब हम बात करेंगे कि बाय वेट हम क्वांटिटी को कैसे पैंट करेंगे, वजन के हिसाब से। बाय वेट मतलब वजन के हिसाब से क्वांटिटी को हम कैसे पैंट करेंगे, कि इसमें इतना सीमेंट सैंड और क्रश इस्तेमाल होगा। अब हमारे साथ हाउ टू कैलकुलेट आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड क्रश इन 1 क्यूबिक मीटर रेशो 1:3, 1:3 रेशो है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट सैंड और क्रश इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये करना है कि रेशो आपने लेना है 1:3 इसके अलावा। उसके बाद आपने वही तरीके सम ऑफ रेशो कर देने, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 1 + 1:3, तो ये आ जाएगा इसके साथ 5.5 ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने 1 क्यूबिक मीटर जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ से, 1.54 से, यानी वेट 1 क्यूबिक मीटर जो है ये वेट में, अभी उसको हमने ड्राई में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.54 ही क्यूबिक मीटर आएगा, ठीक है, वही आएगा क्योंकि 1 से हम ज़रब दे रहे, ठीक है। तो ये ड्राई क्वांटिटीज की आ गई है किस्म की, ठीक है। अब हम पैंट करना चाहते हैं सीमेंट, तो सीमेंट के लिए आपने क्या करना है, सीमेंट क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना है, रेशो ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय वही तरीका है ड्राई क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हम करते थे कि सीमेंट को जब हम बाय वॉल्यूम मालूम करते थे तो हम रेशो लेते थे सीमेंट का 1, फॉर एग्जांपल इस तरह हम इस तरीके से करते थे। ड्राई वॉल्यूम हमारे पास जो है 1.54 है, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो कितनी है, वो 5.5 है, ठीक है। ये बाई वॉल्यूम अभी मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इसके बाद बाई वेट भी देगा बता रहा हूँ इसमें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.54 इसको डिवाइड करेंगे 5.5 पे, तो ये आगे से 0.28 CFT, ठीक है, ये सीमेंट की वॉल्यूम आ गई इन क्यूबिक मीटर में, क्योंकि हम अभी क्यूबिक मीटर में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम सीमेंट की डेंसिटी लेंगे या वेट लेंगे, वेट आप सीमेंट इन 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट की जो डेंसिटी है ये मैंने आपको पीछे बताया भी था, वो 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट्स की जो डेंसिटी है वो 1440 है वेट जो है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेट, आपने वॉल्यूम को ज़रब देना है वेट से। तो
तो आपके साथ जवाब आ जाएगा केजी में, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, वॉल्यूम आपके पास सीमेंट की कितनी है, 0.28 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद वेट आपके पास सीमेंट का कितने, वो 1440 है, ठीक है। जब आप इसको ज़रब देंगे 0.28 मल्टीप्लाई बाय 1440 से ज़रब देंगे तो 403.2 इससे 403 केजी सीमेंट इसमें यूज्ड होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि वेट आप वन बैग सीमेंट 50 केजी, ठीक है। वज़न जो होती है एक बैग सीमेंट की वो 50 केजी होती है, तो आपने टोटल जो है 403 केजी है, 403 डिवाइड बाय 50, तो आपके साथ अभी नंबर्स में बैग्स आ जाएंगे। तो आप देखिए 403 डिवाइड बाय 50, तो ये देखिए 8 बैग्स इसमें सीमेंट यूज्ड होंगे, ठीक है, 8 बैग सीमेंट यूज होंगे 1:3 के रेशो में, 1 क्यूबिक मीटर में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सैंड क्वांटिटी है, तो सैंड क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना है, आपने वही तरीके रेशो आप सैंड ठीक है मल्टीप्लाई बाय ड्राई क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है। तो ये भी क्यूबिक मीटर में जवाब आएगा रेत का। अब आपने एक और तरीका करना है, सैंड क्वांटिटी पुटिंग आप कर दें, रेशो आप सैंड आपके पास क्या है 1.5 है, ठीक है 1.5, तो आपने करना ये है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई क्वांटिटी आपके पास 1.54, सम ऑफ रेशो आपके पास 5.5 है, इज इक्वल टू कैलकुलेशन इसका आप करेंगे तो ये देखें 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.54 डिवाइड बाय 5.5, तो ये देखिए आपके पास 0.42 क्यूबिक मीटर इस्तेमाल होगा रेत, ठीक है 0.42 क्यूबिक मीटर रेत इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से आप क्रश क्वांटिटी भी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, रेशो आप क्रश मल्टीप्लाई बाय ड्राई क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है, तो ये भी जवाब आएगा क्यूबिक मीटर में। आपने लिखना है यहाँ पर क्रश क्वांटिटी, रेशो ऑफ क्रश की जो है वो 3 है, ड्राई क्वांटिटी 1.54 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 5.5 है, तो इससे आपके साथ आ जाएगा 0.84 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीटरों में भी इस तरह काम कर सकते हैं और सीमेंट बाई वेट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो डेंसिटीज़ के बारे में होगा, मुख्तलिफ मटेरियल्स की डेंसिटी, जिसमें रेत और क्रश ब्रिक्स वगैरह स्टील हो गया, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे।